दोस्तों आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर जानेंगे और कुछ एक एग्जांपल देखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस याद है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सिर्फ आपको नॉट इंसर्ट करना है दोनों ही स्ट्रक्चर में। जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस थे, दो स्ट्रक्चर था, उस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी दो स्ट्रक्चर होंगे। सिर्फ इसमें नॉट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद आएगा और वर्ब के पहले आएगा। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में डू या डज ही रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आखिरी में क्वेश्चन मार्क रखना अनिवार्य है। दूसरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्टिंग की जाएगी, उसके बाद डू आर डज में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, आखिरी में इंट्रोगेटिव साइन। एग्जाम्पल, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने दिया गया है कि आई रीड बुक, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा डू आई नॉट रीड बुक। सिमिलरली हम दूसरा स्ट्रक्चर लिखेंगे तो स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव वर्ड लाना होगा, वाई डू आई नॉट रीड बुक। अब एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अगर ही रीड बुक है तो डज हो जाएगा, डज डज ही नॉट रीड बुक, डज ही नॉट रीड बुक। और इसका अगर सेकंड स्ट्रक्चर में लिखना हो तो लिखेंगे, कोई भी सूटेबल इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा जा सकता है, व्हेन डज ही नॉट रीड बुक। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ ही सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ।